कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स की सीरीज में देखा था, हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हुआ है स्टेप बाय स्टेप, कैसे कैसे डिवाइसेस का अपडेट करते हुए अपग्रेड करते हुए हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर तक पहुंचे। उसके बाद हमने देखा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे 5 जनरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया एकदम डिटेल से, और उसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब चीज को हमने देखा है आने पिछले हमने क्विज में। ठीक है, तो आज हम बढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में अपने अगले चैप्टर में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, और इसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। तो कंप्यूटर का जो मेन बेसिक ब्लॉक डायग्राम है वो आखिर काम क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम पूरी चीजें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी देखेंगे और सीपीयू के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज जान लेते हैं कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक वर्ड है जो कि कंप्यूट्स वर्ड से निकला हुआ है। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना एक तरह से, विच मीन्स टू कैलकुलेट, गणना करना। सो अ कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ बीइंग कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर एक सीधा साधा कैलकुलेटिंग डिवाइस ही है। वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ अडेज ऑन कंप्यूटर, लाइक लिसनिंग म्यूजिक एंड सर्फिंग नेट, ये सब कहीं ना कहीं एक तरह से कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है जो कंप्यूटर अपने प्रोसेसर के थ्रू करता है। द परफॉर्मेंस इस अर्थमेटिक ऑपरेशन दी परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड न्यूमेरिक स्पीड, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है परफॉर्म करने की। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन रॉ डाटा एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन बाई यूजर। हम लोग जो भी जो यूजर होते हैं हम लोग इनपुट देते हैं और उसके ऊपर कंप्यूटर ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। तो देखिए मेन जो आपके बांटे हुए हैं इसके काम में, तो देखिए इट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट। इनपुट के जरिए ये डाटा इंस्ट्रक्शन को लेता है, ये डाटा को स्टोर करता है। इट कैन प्रोसेस रिक्वायर्ड डेटा बाय द यूजर, और ये डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इट गिव रिजल्ट्स एज पर प्रोडक्शन, और ये हमें रिजल्ट देता है प्रोडक्शन के अनुसार। और इट कंट्रोल्स ऑल फंक्शन इन साइड द कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर का सारा फंक्शन होता है ये उसको कंट्रोल करता है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनपुट हम लोग देते हैं, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट दे देता है। इनपुट किसके थ्रू करते हैं, उसके लिए हम लोग माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक, वेबकैम एक्सेट्रा, ये सब यूज करते हैं। और प्रोसेस के लिए हम लोग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें प्रोसेसर होते हैं उसके द्वारा इसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। उसके बाद आउटपुट आपका आता है, और भी सारी चीजें होती है वो सब हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे सिंपल ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हैं। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में हम लोग मॉनिटर प्रिंटर के सहारे आउटपुट ले लेते हैं। अब वेरियस कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर में आते हैं, तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म टास्क। ठीक है, ये सब बात हो चुकी है। एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। लाइक एनी अदर डिवाइस और मशीन, कंप्यूटर हैज ऑल्सो अ नंबर ऑफ पार्ट्स। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी ब्लॉक्ड इनटू मेनली थ्री पार्ट्स। तो थ्री पार्ट्स हम इसको तोड़ सकते हैं, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। देखिए ये जो आपका होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर होता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो आपको ये इसके बारे में पता होगा। इनपुट होता है, सीपीयू होता है, आउटपुट होता है। सीपीयू में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, होता है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट जो दो होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो है आपका हार्ड ड्राइव होता है, प्राइमरी मेमोरी आपका जो है मेन मेमोरी होता है जिसको रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट देखिए जो इसमें आपने हमने देखे सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के अंदर जो चीजें हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इनपुट। इनपुट तो इनपुट यूनिट में, इनपुट यूनिट दैट एक्सेप्ट एनी इनपुट डिवाइस। ठीक है, मतलब डिवाइस नहीं, एनी इनपुट। द इनपुट डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये डेटा को इनपुट पुट जो है आजकल जो नॉर्मल कीबोर्ड यूज करते हैं उसमें हम लोग एबीसीडी डायरेक्ट दबा देते हैं, आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। एबीसीडी हम लोग दबाते हैं फिर अंदर वो कंप्यूटर सिस्टम में जाता है, वहां पर वो बाइनरी कोड पर पहले चेंज करता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये डाटा को मेन मेमोरी में भेजता है कंप्यूटर के। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सबको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सीपीयू। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सीपीयू कैन बी सब क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। तो यहां पर थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई हो गया, सीयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू एंड मेमोरी यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं, तो कंट्रोल यूनिट का काम मैनेज करना होता है सारे कंपोनेंट्स को कंप्यूटर के, कब किस प्रोसेस को कौन सा हम लोगों को रिसोर्स देना है, कौन सा हार्डवेयर देना है। इट रीड्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसके बाद अपने जो सिग्नल्स, जो सीरीज ऑफ सिग्नल्स होते हैं उसको चेंज करके अदर पार्ट्स को कंप्यूटर के एक्टिवेट करता है जिसकी भी जरूरत होती है। और ये कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस को और प्रोसेसर्स को। ठीक है, उसके बाद आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये परफॉर्म करता है हमारा सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके अलावा ये लॉजिकल ऑपरेशंस को भी, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू को भी ये
जो है प्रोसेस करता है। उसके बाद मेमोरी यूनिट की बात करते हैं, तो मेमोरी यूनिट जो होता है इज यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। इट इज यूज टू स्टोर डाटा टेम्पररी और परमानेंटली। ठीक है, तो मेमोरी क्या होता है, सिंपल डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सीपीयू में देखते हैं, तो फंक्शंस ऑफ सीपीयू होता है या इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स एंड सॉफ्टवेयर एंड डेटा फ्लो ऑफ कंप्यूटर। इट परफॉर्म्स ऑल ऑपरेशंस। इट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इट सेंड्स इन्फॉर्मेशन टू आउटपुट डिवाइस। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन मेमोरी। इट स्टोर डेटा आइदर टेम्पररी और परमानेंट बेसिस। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ये पूरा आपका ड्रोन साथ काम है जो सीपीयू करता है। उसके बाद आउटपुट यूनिट लास्ट में आता है। आउटपुट यूनिट इज ए यूनिट दैट कंस्टिट्यूट्स नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, ये रिजल्ट को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं आउटपुट डिवाइस को। इट एक्सेप्ट डाटा और इन्फॉर्मेशन सेंड्स फ्रॉम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इट कन्वर्ट्स बाइनरी कोडेड इन्फॉर्मेशन इनटू हाई लेवल लैंग्वेज और इंपोर्टेड लैंग्वेज। और ये जो हमें मॉनिटर पे या फिर प्रिंटर के थ्रू हमको आउटपुट दे देता है और हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा था, मैक्सिमम चीजें आप जानते ही होंगे। बस आपको ये फिगर ध्यान में रखना है और उसके कंपोनेंट ध्यान में रखे हैं, जो ये वाला फिगर हम लोगों का इनपुट आउटपुट सीपीयू में कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी यूनिट, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आ रहा है और जिस सीरीज चूंकि पूरी कंप्यूटर साइंस को कवर करने वाली है, तो आप लोगों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाए। और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी आप तक ने ना किया हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भी ना भूलें।